Hello and welcome to all. Today we will continue our third chapter, that is equality. Yesterday we have done about the meaning of equality. That means that all persons may be treated equally in all respect and they will be given proper opportunities and conditions so that they can develop their own potential and talents. And all persons should be regarded as equal before the eyes of law. Now today we will start with the three dimensions of equality. Under that, the first is political equality, that is equality before law, that grants the equal citizenship to all members of the state, right for citizenship, minimum wages सभी को प्राप्त होने चाहिए, equal justice to all, सभी लोगों को equal justice मिले, no discrimination on the basis of caste, color, creed and all, right to vote to be provided, freedom of expression, movement and association and freedom of belief to be provided to each and every citizen of the nation. And there are certain legal rights that are guaranteed by the constitution and the law. Inequality में political equality हमें तभी लोगों को प्रदान करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को level playing field उनको मिल सके and they can get the equal opportunities and they can make an egalitarian society, एक ideal society की हम संरचना कर पाएं. Under social equality, the society, equality for all people, so that equal basic minimum needs to be provided to all the persons. People belonging to different groups and communities should also have a fair and equal chance to compete for those goods and opportunities. लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, गुड एडुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो, एडिक्वेट नरिशमेंट मिले, मिनिमम वेजेस मिले, तो वो हम देखते हैं कि सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी तभी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर ये सारी फैसिलिटीज लोगों को प्रॉपर अमाउंट में मिले, एडुकेशन, हेल्थ एंड मिनिमम वेजेस. बट इन इंडिया देर इज़ अ स्पेशल प्रॉब्लम दैट आई मस्ट मेंशन हेयर. Women section, for example, they may not get enjoy equal rights of inheritance in some of the groups. There may be social prohibitions regarding their taking part in certain kinds of activities, and they may be even discouraged from going to the higher education. तो कई स्थानों पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और social problem arise होती है जिससे social inequality हमारे सामने आती है जो कि सोसाइटी के द्वारा ही क्रिएट की गई है. एंड दीज पॉलिसीज देयर आर सर्टेन पॉलिसीज दैट प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू ओपन अप एडुकेशन और सर्टेन प्रोफेशंस टू वुमेन एंड अदर सच मेजर्स. सो स्टेट हमेशा ही कोशिश करता है कि इक्वल लीगल राइट्स वुमेन सेक्शन को मिले, पब्लिक स्टेट प्लेसेस पर उनके साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रॉपर प्राप्त हो. नाउ थर्ड डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी इज इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द वेल्थ, प्रॉपर्टी एंड इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स और द क्लासेस. अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तभी होगी अगर वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम के आधार पर सोसाइटी में इकोनॉमिक असमानता सामने आए. इसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ टू मेजर द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट ग्रुप्स. जो रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके बीच में रिलेटिव डिफरेंस को निकाल देना चाहिए. और दूसरा जो तरीका है दैट वी कुड बी द टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. जो लोग बिलो बीपीएल के नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनको एटलीस्ट बेसिक लिविंग अपॉर्चुनिटीज, बेसिक लिविंग नीड्स, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल टू बी प्रोवाइडेड सो दैट दे कैन कम टू द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दे कैन कम्पीट विद द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्राप्त करना, जो कि ये इनइक्वालिटी हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल एंट्रेंच्ड है, हमारी इकोनॉमी में एकदम इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्राप्त करना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि विच इज़ इट इज़ टू रिमेन
relatively untouched over generations and more dangerous for a society. कई स्थानों पर हम देखते हैं that the society would become divided between those classes and others who have remained poor over generations. Society, उन कई लोग बहुत पुराने समय से poor हैं, पहले समय से, और वो अभी तक भी poor ही रह रहे हैं. Means that this economic inequality is entrenched. So now we will start with the basic ideologies. We are going to study about four ideologies in this chapter. The first is feminism. Feminism is a political doctrine that demands equal rights for women and men. Patriarchy ke adheen ye mana jata hai that the woman is good at there is biological difference between men and women. That is why a woman is good at private and the domestic matters. On the other hand, men are responsible for the work in the public domain. प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में मेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया है. सो ये माना जाता है कि बाय नेचर ही मेन और वुमेन अलग अलग बनाए जाते हैं और इसीलिए उनकी अनइक्वल पोजीशन है सोसाइटी में. लेकिन नाउडेज फेमिनिज्म, द सपोर्टर्स ऑफ फेमिनिज्म, दे आर सेइंग दैट इफ अ वुमेन इज वर्किंग गुड इन द प्रोफेशनल एंड पब्लिक लाइफ, शी इज holding the double burden as she is looking after the household work also and she is working outside also. Feminism supporters, they argue for the equal rights of men and women. So let us see the next ideology which is there, that is Marxism. Karl Marx 19th century ke ek political thinker the, kafi famous thinkers the, important thinkers the. Wo kehte hain कि जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में डीपली एंट्रेंच्ड है, काफी उसकी जड़ें मजबूत हैं इनइक्वालिटी की, इसका मेन कारण है प्राइवेट ओनरशिप. चाहे वो ओनरशिप ऑयल, लैंड, फॉरेस्ट या प्रॉपर्टी की हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की हो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप प्राप्त कर लेता है एंड ही मेक द क्लास ऑफ ओनर्स वेल्दी, वो ओनरशिप के कारण काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो जाता है. वेल्दी होने से उसके पास पॉलिटिकल पावर आती है और पॉलिटिकल पावर आने से वो स्टेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है और इस तरह ही बिकम्स अ थ्रेट, अ रिस्क टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर आने से वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा और अपने ही क्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेगा, अपने ही ग्रुप की तरफ ज़्यादा ध्यान रखेगा. सो सोशल इंस्टीट्यूशंस पर उसका कंट्रोल होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर उसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट को पर उसका कंट्रोल होगा. सो देयर विल बी सीन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड द पुअर. द नेक्स्ट इज लिबरलिज्म. लिबरलिज्म के सपोर्टर्स ये मानते हैं कि there should be open competition for all, जिसमें जितना दम है वो ले जाए, अगर कोई पढ़ने में अच्छा है. there should be open competition between the people in free and fair conditions, that will be just an efficient way of distributing the rewards in the family, in the society, sorry. अगर हमने rewards या कोई benefits society में बांटने हैं, there should be open competition, open examination होना चाहिए. that is why you must have seen that in our country many students they hope for admission for professional courses, their entry is highly competitive. unki entry har course ke liye, kyunki limited seats hoti hain, and this is the very fair way of distributing the limited seats. limited seats ko distribute karne ke liye ye sabse zyada fair way hai. liberalism chahte hain, liberalism ka support hai कि अगर टैलेंट्स और एफर्ट्स को हमने रिवॉर्ड करना है तो फिर जो ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा टैलेंट होगा, जिसमें ज़्यादा, जो ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, वो ज़रूर ही ओपन कंपटीशन के द्वारा सोसाइटी में से रिवॉर्ड लेकर बाहर निकलेगा. सो लिबरलिज्म चाहते हैं कि सभी के सभी रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन कॉम्पिटिशन के द्वारा ही हो. Now next comes is your socialism. The socialism
द मेन कंसर्न सोशलिज्म का है हाउ टू मिनिमाइज द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। सोशलिज्म के सपोर्टर्स मानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज किस तरह से किया जाए और सारे के सारे रिसोर्सेज को जस्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सो सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन शुड बी देयर, प्लानिंग शुड बी देयर एंड कंट्रोल ओवर द सर्टेन की एरिया सच एज हेल्थ एंड एडुकेशन। इन पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कुछ प्लानिंग और कंट्रोल के साथ अगर गवर्नमेंट चले तो फिर सभी रिसोर्सेज की हम वंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट वे में कर सकते हैं और इन दिस मैनर ओनली वी कैन मिनिमाइज द इनइक्वालिटी दैट इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म वॉज राम मनोहर लोहिया। इन हिज थिंकिंग ही गेव अस द आइडिया ऑफ सेवन रेवोल्यूशंस ऑफ सप्त क्रांति। सप्त क्रांति का वो मैटर हमारे सामने लेकर आते हैं, आइडियल लेके आते हैं और उसके अंडर रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस एंड रिनंसिएशन ऑफ वेपन्स। नॉन वायलेंस का सपोर्ट करना और वेपन्स का त्याग करना, ये उनकी मेन सप्त क्रांति में से पहले दो पॉइंट्स थे। मोर ओवर देयर शुड बी इनइक्वालिटी अगेंस्ट ही हैज राम मनोहर लोहिया ही हैज आइडेंटिफाइड five kinds of inequality in the society, that is the inequality between men and women, inequality based on the skin color like black and white people, caste based inequality, colonial rule, caste based inequality like Dalits which they are facing, colonial rule of some countries over others, colonials mein jitne colonies banayi jati hain unka dusron par control, दूसरों पर रूल एंड ऑफ कोर्स द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो दीज सेवन इनइक्वालिटीज ही हैज दीज आइडियाज, फाइव काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दे हैव गिवन एंड टू आइडियाज टू अचीव द सोशलिज्म। अगर हमें समाजवाद को प्राप्त करना है, सोशलिज्म को प्राप्त करना है, तो फिर हमें वी शुड हैव रेवोल्यूशन फॉर द सिविल लिबर्टीज and we should support a revolution for non-violence and we should renunciate the weapons also. So this is all, and one thus we can say that democracy could help to provide political equality, but it might be necessary to also devise different strategies to deal with social differences and economic inequalities. Democracy ek akela tarika hai jisse hum पॉलिटिकल इक्वालिटी ला सकते हैं, लेकिन हमें साइड बाय साइड हमें सभी सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाना होगा। वी हैव टू रिमूव फॉर दैट। सो टू मार्क्स क्वेश्चंस कैन कम फॉर फेमिनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट योर हाउसेस एंड स्टे सेफ।